हम कहते हैं कि भाई दो झगड़े होते हैं हिंदू मुसलमान के, राम मंदिर दलितों ने नहीं तोड़ा, मस्जिद दलितों ने नहीं तोड़ी, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में मेरा दलित समाज हमेशा पिसता रहा। 70 साल पहले आज़ादी की लड़ाई हम सबने मिलके साथ लड़ी थी और 1950 में हमें उम्मीद हुई कि हमारे संविधान से हमारे समाज को एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान मिलेगी। लेकिन इन दो लड़ाइयों के बीच में दलित का 70 साल से शोषण होता रहा। आज मैं पूछना चाहती हूँ जो हमें कहते हैं कि जी हिंदू हैं हम, चलो जी हम हिंदू हैं, तो हमें मारा क्यों जाता है, हमें अछूत क्यों कहा जाता है, और हमें जो हमारी संविधान से एक आरक्षण मिलता है उसके विरोध में हमारे खिलाफ बोला जाता है, चलो जी हम हिंदू हैं आप हमारे भाई हैं तो हमारे आरक्षण के खिलाफ आप लोग क्यों बोलते हैं, यानी कि फिर हम हिंदू हैं नहीं। मेरे भाई अभी बोल रहे थे, उनको सलाम पेश करती हूँ मंच से। मैं आपसे भी पूछती हूँ, हमारे जितने भी हिंदू वाल्मीकि भाई हैं, कसम खाना कि हमारे पूजा में पीर नहीं पूछते क्या, बोलिए। तो वही मुसलमान भाई हमें अछूत बोलते हैं, नापाक बोलते हैं, तो हम दो पार्टों के बीच में दलित है कहाँ आज, हम अपने आप को बोले क्या, सिर्फ उस चीज की सजा भुगत रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम संतों के समाज से आते हैं, आज हम इनों की बातों में आते तो शायद ही हमारे को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन पहचान पहचान होती है, हम संतों के वंशज हैं, हम उस महर्षि वाल्मीकि वंशज हैं जिसने रामायण की रचना करी और आज 72 साल के बाद उसी महर्षि वाल्मीकि रामायण पे 490 साल का केस निपटा, उसका मुख्य अधिकार बनी महर्षि वाल्मीकि रामायण, और फिर हमें कहते जी हम मांग रहे हैं, अरे हम मूल निवासी हैं इस देश के और हमें स्पेशल कुछ मिलता है तो कोई हम पे दया नहीं कर रहा, जितना शोषण मेरे समाज का हुआ है एक दिन ये समाज सहके तो देखे, भुगत तक देखे कि रोटी की परेशानी क्या होती है, सम्मान क्या होता है, अधिकार क्या होता है, कुएं पे पानी नहीं भरने दिया जाता, मूंछ रख के घोड़े पे नहीं चढ़ा दिया जाता, बारात नहीं लेके जा सकते, हम इस देश में हैं कहाँ, हम हिंदू हैं मुसलमान हैं हम दोनों ही नहीं हैं, हम सनातनी हैं, इसीलिए ही हमारी उपेक्षा होती है, हम इसीलिए हमारा तिरस्कार होता है, इसीलिए हमारी बेटियों का बलात्कार होता है, इसीलिए हमारे सम्मान समाज का निरादर होता है। आज पढ़ाइयों की बात की जाए तो आज जेएनयू के अंदर 40% जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है, जिनकी सालाना आय 27-28 हजार रुपए है, उनके बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आज उसको भी खत्म किया जा रहा है, उस पर भी फीस बढ़ाई जा रही है, यानी कि मनुवाद फिर से हमारे ऊपर लागू हो रहा है। मनुवाद का एक मतलब यही था कि दलित समाज शिक्षित ना हो, उसे हर जगह से शिक्षा से रोका जाए, क्योंकि हम लड़के तो बहुत बड़ा क्षेत्र पल के हम पूरा देश जीत सकते हैं, मांगने से भीख मांग सकते, लेकिन अधिकार की लड़ाई हमें शिक्षा प्राप्त करके मिलेगी, वो ही प्राप्ति के लिए हमें रोका जा रहा है। और हमें ये लोग भूल गए हैं कि इसी संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें 3 जनों को एक बंधन में बांधा है जिसको कहते हैं SC ST OBC, हम बहुजन एक है और ये बहुजन एक हो चुका है, ये ना हो कि हम SC ST OBC अपना इतना बड़ा मंच बना ले कि कल आप लोगों को पछतावे के लिए भी मौका ना मिले, इसलिए कह रहे हैं कि हम लड़ाई स्वाभिमान की लड़ रहे हैं और स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे पास हारने को कुछ नहीं है, खो तो हम बहुत कुछ चुके हैं, अब सिर्फ आपकी बारी है कि बराबरी का सम्मान दीजिए हमें और हमारे विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे संतों के विरुद्ध, क्यों जी हमारे संतों के ही मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं, हमारे महापुरुषों की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है,
लड़ाई तो तुम्हारी है, पाकिस्तान हिंदुस्तान तुमने बांटा, दलितों ने नहीं बांटा। दलित आज भी वही है और दलित इस हिंदू मुसलमान के झगड़े में क्यों पिस रहा है? सरकार हम बनवाते हैं, बोर्ड हम देते हैं, मेहनत हम करते हैं, जितनी मजदूरी का काम है दलित ही करता है। आज दलित ना हो तो इस देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, इस देश का सारा शासन चरमरा जाए। नोटबंदी हुई, हर एक को उद्योगपति रोया, हर कोई रोया, लेकिन रोज की मजदूरी करने वाला वो दलित किसको जाके रोए? लाइन में लगने वाले अपने सो जाने की ने, लेकिन जो ठेले पे सब्जी बेचता था उसकी सब्जियां रुक गई, वो किसको जाके रोए? GST हम सब भरते हैं, डबल GST भरते हैं, GST के ऊपर GST, टैक्स के ऊपर टैक्स भरते हैं, और फिर भी हम इस देश में लाचार मजबूर और आरक्षण का दबाव डाला जाता है हम पे। आरक्षण हमारा विशेष अधिकार है और कोई भी हमारे आरक्षण के खिलाफ बोलेगा तो उसके लिए हम जितना भी दलित समाज है SC ST OBC एक होके अपना खून का कतरा बहा देगा, लेकिन अपने आरक्षण पे आँच नहीं आने देगा, क्योंकि ये अधिकार हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी से मिला है, ये अधिकार हमारे संविधान से मिला है, और जो हमारे अधिकार है उसे कोई माइकलाल छीन नहीं सकता, क्योंकि छीनने की तो उनको आदत है, लेकिन छीनते छीनते खुद हार चुके हैं। आज जिस राम की बात प्रतिष्ठा करती हूँ, मैं मानती हूँ राम हमारा है, हमारे रचनाकार की रचना है वो, और उसका सम्मान करते हैं हम, तो आज तो हम गर्व महसूस खुद होते हैं, इतने बड़े फैसले के सूत्रधार मेरी माँ हमारी सी रामायण बनी, इससे गर्व की बात हमारे लिए क्या होगा? राम को सिर्फ इसलिए रचा गया कि हम इंसानियत सीखें, हम राजनीति सीखें, हम त्याग सीखें, हम बेटे होने का फर्ज सीखें, हम पति होने का धर्म सीखें। हमारे रचयिता ने इसलिए रचा था कि समाज एक रहे, समाज के पीछे, क्योंकि हमें तो अपना पता है कि हमारा बाप का घर कहाँ है, हमें इतना भी पता है कि हमारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तीर्थ धाम महर्षि अमृतसर में है, महर्षि आश्रम, हमें पता है कि हमारे बाप का घर है, हम बेबाप के नहीं हैं, हमारी मौजूदगी है, जिनकी मौजूदगी नहीं है वो मौजूदगी की खोज करते हैं। हम यहाँ के आदिवासी आदि धर्मी और सनातन धर्मी हैं, मूल अधिकार हमारा है, इस देश पे अधिकार हमारा है, और आज मेरे दलित समाज के पास ही जमीन का कमी, 99% हमारे दलित समाज के पास जमीन नहीं है, और हम मूल अधिकारी होके जमीन से वंचित है, ये सोचना पड़ेगा। ये दुख मेरा है, ये दुख मेरे सभी वाल्मीकि समाज का है, मेरे पूरे दलित समाज का है, क्योंकि हम बार बार यही पूछते हैं कि हम हिंदू हैं तुम बोलते हो तो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार क्यों होता है, हम हिंदू हैं तुम मानते हो तो हमारे आरक्षण के खिलाफ आंदोलन क्यों करते हो आप? बाकी और भी संत हैं, बहुत सारी बातें हैं आपको, जय श्री वाल्मीकि, जय श्री वाल्मीकि। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।